नमस्कार, मैं हूं पारिजात और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। महिला दिवस पर आज आप सभी को शुभकामनाएं। बड़े काम की बात, महिला दिवस पर आज ये कहनी है कि दुनिया की हर महिला को, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हो, उसे फेमिनिस्ट होना चाहिए। फेमिनिस्ट का मतलब है सही अर्थों में फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म मतलब महिलावाद। महिलावाद का अर्थ समझ लीजिए, आप समझते होंगे, जो ना समझते होंगे उनके लिए ज़रूरी है, और जो लोग समझते हैं उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि महिलावाद का अर्थ ये नहीं कि पुरुषों को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए। महिलावाद का ये अर्थ है कि महिलाओं को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के समर्थन के लिए आप आवाज़ उठाइए। ये महिलावाद है, सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठाइए, आपके व्यवहार में भी वो दिखना चाहिए जो आप कहते हैं। दुनिया की महिलाओं एक हो जाओ, एक दूसरे के समर्थन में आ जाओ, एक दूसरे का सपोर्ट करो। सबसे पहले आप जानते हैं आपके घर में जिस महिला को आपके समर्थन की आवश्यकता है, मैं बात कर रहा हूं, मैं मुखातिब हूं आप सभी महिलाओं से, पुरुषों की यहां पे बात नहीं हो रही है। पुरुष कभी महिलावादी हो ही नहीं सकते। मैं महिलावादी हूं क्योंकि मैं उसका कारण आपको दूंगा, लेकिन ज्यादातर 99% पुरुष महिलावादी नहीं हो सकते। अगर पुरुष महिलावादी हो जाए तो ये समस्या ही खत्म हो जाए, विश्व समान धरातल पर समान रूप से चल सके, गतिमान हो सके, समस्याएं खत्म हो जाए जो पुरुष और महिला के बीच समाज के हर क्षेत्र में देखी जाती हैं। बात कर रहा हूं कि आपके घर में वो कौन सी महिला है जिसे आपके समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके घर में वो महिला है आपके काम वाली बाई, आपके काम वाली बाई। आप उसे अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं खाने देते, नाश्ता नहीं करने देते, उस पर बैठने का अधिकार नहीं है उसका, आपका बाथरूम यूज करने का अधिकार नहीं है उसके पास। बहुत सारे ऐसे अधिकार नहीं है जो एक महिला को होने चाहिए, कम से कम उस जगह पर तो अवश्य होने चाहिए जिस जगह पर वो सेवाएं दे रही है। आप अलग से उसका इंतजाम नहीं कर सकते तो आप उसको अपने इंतजाम में शामिल कर सकते हैं। अपने घर की जितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही चीज़ें हैं जिसकी उसको ज़रूरत है, जब वो आपके घर काम करने आती है तो आपको उसे देना चाहिए, शेयर करना चाहिए। यहाँ पे आपका महिलावाद दिखेगा, वरना ये समझ में आएगा साफ तौर पर कि आप फेक हैं, आप बनावटी हैं, आप झूठी हैं। सीधी सी बात, एक महिला का आप समर्थन नहीं कर रही और बाहर आप नारे लगा रही हैं महिलावाद जिंदाबाद। महिला कहीं भी हो, दुनिया की कोई भी महिला हो, उससे आपका समर्थन चाहिए अगर आप महिलावादी हैं, नहीं तो आप झूठी हैं। याद रखिए, जो कहे वो करे और जो करे वो कहे। जब आप एक महिला का समर्थन नहीं कर सकते, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते, एक महिला के इंडिविजुअल रिस्पेक्ट को कायम नहीं रख सकते, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि पुरुष किसी महिला का सम्मान करेगा। पुरुष इसलिए, चलिए वो अलग बात है कि पुरुष और नारी के वैमनस्य या विरोध के पीछे क्या कारण है सबको पता है। समाज का सबसे छोटा यूनिट परिवार, उससे बड़ा यूनिट शहर, समाज, राष्ट्र, विश्व, सारे यूनिट आप देखते जाए, सब जगह पर ये शक्ति संतुलन बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, शक्ति असंतुलन महिला और पुरुष के बीच में। हमेशा याद रखें, जिसके पास शक्ति है वो एक जंगल का राज है, एक जंगल का नियम है कि शक्तिशाली हमेशा कम शक्तिशाली को दबाता है, क्योंकि हर आदमी, हर शक्तिशाली अगर इस तरह का उदारवादी हो जाए तो ये दुनिया, विश्व, ये संसार स्वर्ग बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभ्य समाज में भी जंगल के नियम काम करते हैं। इसलिए याद रखिए, आपको अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा। मैं जंग लड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हारने से बचने के लिए अपने आप को समर्थ करना होगा, सशक्त करना होगा हर महिला को। याद रखिए, अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो सच्ची फेमिनिस्ट बनिए, फेक फेमिनिस्ट मत बनिए। आपकी आवाज़ में, आपकी बात में, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में सच्चाई दिखेगी फेमिनिज्म के लिए, अगर आप अपने घर में फेमिनिज्म को वास्तविक रूप से सपोर्ट करेंगे। अगले अपने ऑडियो एपिसोड में मैं बताऊंगा कि फेमिनिज्म की ज़रूरत और किन किन लोगों को है। आप खुद अपनी आंखें खोल के अपने आसपास देखें, आपको समझ में आएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी आंखें जो आपसे उम्मीद करती हैं कि आप उनकी ओर एक बार नज़र उठा के देखें, उन्हें भी अपना जो भी संभव सपोर्ट है
वो दे सके। मैं कहता हूँ ये दुनिया सारी शेयरिंग पर चलती है, कुछ ना कुछ शेयर कीजिए, समर्थन शेयर कीजिए, आवाज़ शेयर कीजिए, कंपैशन शेयर कीजिए, सहानुभूति शेयर कीजिए, लेकिन याद रखिए जो कहिए वो करिए। अगर आप वास्तविक फेमिनिस्ट हैं तो फेमिनिज्म को आप कहें और फेमिनिज्म को आप करें। फिर मिलता हूँ महिला दिवस की शुभकामनाओं के साथ अपने ऑडियो एपिसोड में महिला दिवस के ऊपर एक दूसरा विचार लेकर। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।